असल है, वो फालतू वाली जो थी ना उससे वो उनका तो डोज पूरा हो गया। तुम लोग इस पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए है स्पेशली, ध्यान दीजिएगा। अर्ज किया है, ऐसे शायद शुरू करते हैं। कंपटीशन के इस दौर में तुम खुद को अकेला पाओगे, ठीक है जी। कंपटीशन के इस दौर में तुम खुद को अकेला पाओगे, नाम होगी चप्पू होगा बावजूद, हौसलों को सहमा हुआ पाओगे। मतलब कंपटीशन के इस दौर में तुम खुद को अकेला पाओगे, नाव भी होगी चप्पू भी होगा, बट अपने हौसलों को सहमा हुआ पाओगे। डर लगता है सर हमें आईआईटी एडवांस से और मेन से। आगे वाली लाइन सुनिएगा और दिल तक पहुंच जाए तो कमेंट करिएगा। पर अगर अपने टीचर पर विश्वास और उनका हाथ पकड़े रखा, अपने टीचर्स पर विश्वास और उनका हाथ पकड़े रखा, तो यकीन से कहता हूं इस दरिया को बहुत छोटा और किनारों को अपने कदमों में पाओगे। इस दरिया को बहुत छोटा, कौन सा दरिया सर? जेई मेंस और एडवांस का दरिया। इस दरिया को बहुत छोटा और जिस तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो वो खुद चल के तुम्हारे पास आ जाएगा। किसकी बात कर रहे हो सर आप? जेई मेंस और एडवांस की बात कर रहा हूं। आई बिलीव बात समझ में आई होगी एंड दिस इज ओनली फॉर यू। मेरे ख्याल से समझ में आता है और बिलीव मी, यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपकी क्या एनर्जी का राज है, या सभी टीचर्स इतने खुश होकर यहां कैसे पढ़ा पाते हैं। बिकॉज यहां पर पढ़ने बहुत सारे जेई के बच्चे आते हैं, इसलिए हम इतना खुश होके पढ़ा पाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आती होगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां आए, आपने अपना टाइम, प्रीशियस टाइम यहां दिया। अब सो जाइए या फिर रिवाइज कीजिए और बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक और अमेजिंग लेक्चर के साथ। और सीक्वेंस आप लोगों को पता ही है अब हमारी